नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना 100 बार अखरता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग दिल की बात और दिस इज द एपिसोड 2। आई एम आदित्य यादव एंड वॉचिंग द सोशल इंडियन। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों के जो हमें मैसेज आ रहे थे कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम है, आप लोगों ने कॉल किया कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सपना टूट गया है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसी बातें तक मुझे सुनने को मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपसे बात कर सकूं कि क्या आपके पास अभी ऑप्शन है, क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है, क्या आपने गवाया है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं सिर्फ इसी बात से करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं, अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होना ना होना बहुत अलग बात होती है, अगर आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की थी और मैंने इतने मार्क्स पाए हैं, शायद मैं थोड़ी और मेहनत करता तो इतने और मार्क्स पा पाता और शायद फैकल्टी में आ जाता, लेकिन अगर आप अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपकी सच्ची जीत है। नहीं तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड नहीं है और आप एडमिशन भी ले लेते हैं तो शायद आपकी ये जीत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये एग्जाम हम मानते हैं, हम शुरू से आपके लिए कहते आ रहे थे जब हम प्रिपरेशन मोड में थे कि ये करियर चेंजिंग एग्जाम है, लेकिन ये करियर डिस्ट्रॉइंग एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपने एग्जाम में क्या किया क्या नहीं, क्या आपके मार्क्स किस हिसाब से आए किस हिसाब से नहीं आए। आप बस ये सोचिए कि आपने उसके लिए कितना कुछ सीखा, आपने उस एग्जाम के पढ़ने से जब आपने शुरुआत की थी, उस एग्जाम के लिए जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कितना सीखा, कितने लोगों को आपने पीछे छोड़ा, कितनी नॉलेज आपने गेन की, क्या क्या फायदा हुआ आपसे, आप वो सोचिए। आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या आया, आप ये मत सोचिए कि मुझे सीट नहीं मिली, आप ये सोचिए कि आप अब आगे क्या कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो आप बिल्कुल ही डिटरमिंड है कि हाँ भाई मेरे को LLB करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करनी है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कहीं और से भी LLB कर लेते हैं। तो इस केस में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि LLB आप कहीं से भी करें, एट द एंड ऑफ द डे आपका कैलिबर बोलने वाला है, आपकी बातें जो आप बोलेंगे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करेंगे वो बोलने वाली है, क्योंकि कहीं भी आप कोर्ट में जाकर खड़े होंगे, वकालत कर रहे होंगे, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट वकील हूं, ये तो पता नहीं कहां से आ रहे हैं, और ना ही उस चीज का शायद आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट अगर मिलेगा तो आपके कैलिबर का मिलेगा कि आप अपने कैलिबर को कहां पर रहकर कितना पॉलिश कर सकते हैं। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो नो डाउट आपको फायदा होता है, आपको कॉम्पिटिशन मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब को उसी हिसाब से तैयारी में बैठाइए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए कि आप अपने आप को उस हिसाब से पॉलिश करें, उस हिसाब से पॉलिश करें कि आप जब भी आर्यू करने जाएं या फिर जुडिशियरी क्लियर कर जजेस की कुर्सी पर बैठे या फिर किसी और फील्ड में जाएं, लेकिन जिस भी फील्ड में जाएं अपने आप को इतना पॉलिश रखें, अपना इतना पॉलिश रखें अपने आप को कि आपका कैलिबर अलग ही चमके, अलग ही शाइन करे और आपके एक एक वर्ड की वैल्यू हो। यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि इस एग्जाम को क्लियर ना करने से ना दुनिया खत्म हो रही है ना जहान खत्म हो रहा है, ये सिर्फ एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम था जिसमें जो लोग एंट्री ले रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर जो नहीं आ पा रहे हैं वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है ड्रॉप ले सकते हैं तो दोबारा ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं ये मानूंगा कि आप कहीं से भी LLB कीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो भी लाने वाले हैं कि इफ नॉट DU देन व्हाट यू कैन ऑप्ट। अब किस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो जल्द ही आ रही है। मोटिवेशन लूज ना करिए, होप्स बनाए रखिए। एक बात मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जिनके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से थोड़ा नीचे हैं, यानी जो 222 गई है जनरल के लिए उनके मार्क्स 210 205 के आसपास हैं, तो उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि होप्स बनाए रखिए, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी कट ऑफ कम जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, ऐसा भी हो सकता है ना जाए, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखिए, तैयारी कीजिए,
वर्क हार्ड फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस चीज की में आप मानिए, उस चीज को सोचिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक चीज से बातें खत्म नहीं होती है, इम्तिहान कड़ा है, मुकाम बड़ा है, और इस बार अगर लक्ष्य को नहीं पा पाए तो लक्ष्य को जल्दी ही पाना है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा करके जाना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम छोटा रखते हैं और खत्म करते हैं। कोशिश की है कि आपको कुछ बातें बता पाए, कुछ सीख सिखा पाए, कुछ मोटिवेशन हल्का सा हम दे पाए, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि वीडियो मोटिवेशन से ज्यादा एक दिल की बात जो हमारे अंदर थी वो हमने आपके सामने रखी है कि ये एग्जाम जो है वो भले ही करियर डिसाइडिंग था लेकिन करियर डिस्ट्रॉइंग नहीं है। इस चीज को बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए बात को, और चिंता बिल्कुल मत करिए, आप जो है इससे अच्छा कुछ करने के लिए बने हैं, डेस्टिनी ने कुछ और बनाया है। यही बात कही जाती थी एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर कि जब वो एसएसबी इंटरव्यू देने गए थे एयरफोर्स में, वो सिलेक्ट नहीं हुए थे। अगर शायद वो सिलेक्ट हो गए होते तो इस टाइम पर वो कहीं जहाज उड़ा रहे होते और शायद इंडिया को मिसाइल्स भी नहीं मिली होती। अब अगर इंडिया को मिसाइल मैन मिला है तो शायद वो एक फेलियर के बाद मिला है, शायद इस फेलियर के बाद आप भी कुछ बड़ा करें, आप भी कुछ अच्छा करें और ऐसा कुछ करें कि जिससे हम भी कहें कि हाँ ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, ये हमारे साथ जुड़े थे। तो आप टच में रहिए, कोई इशू नहीं है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वी विल रिवर्ट बैक टू यू। अब आपके साथ हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी खड़े रहें। तो अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं मैं नहीं हम में, और इसीलिए आज इस वीडियो को बना रहे हैं और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए, और जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो सीरीज दिल की बात के अगले एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स इफ यू फील सो। भारत माता की जय, जय हिंद।